नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है ब्रेड आलू वड़ा। तो देखते हैं इसमें लगने वाली सामग्री। ब्रेड आलू वड़ा बनाने के लिए मैंने 5 से 7 ब्रेड ली हुई है, और बॉइल्ड आलू है मैंने छोटे टुकड़ों में काट के रख ली है, और 1 बड़ा प्याज है जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है, और तड़के के लिए जीरा है लगभग 1 से 2 छोटा चम्मच डालूंगी। लगभग 1 से 2 छोटा चम्मच में हल्दी पाउडर डालूंगी। लगभग 2 से 3 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार मिर्च डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, और ये गार्निशिंग के लिए हरा धनिया है, और तड़का लगाने के रिफाइंड ऑयल, और 1 हरी मिर्ची मैंने बारीक टुकड़ों में काटी हुई है, और 1 छोटा चम्मच मैंने सौंफ ली हुई है, और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का जिसे बारीक टुकड़ों में काट के रखा हुआ। तो सबसे पहले मैं ये स्टफिंग तैयार करती हूँ। उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी, ऑयल गरम होने देते हैं। ऑयल गरम हो गया है, मैं इसमें जीरा डालूंगी लगभग 2 छोटे चम्मच, और सौंफ डाल दूंगी, अदरक डाल दूंगी, और प्याज भी डाल दूंगी, हरी मिर्च डाल दूंगी, और अच्छे से भून लेते हैं प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आते तक। देखिए प्याज अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डालूंगी, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डालूंगी। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और 1 मिनट मैंने लगातार चलाते हुए भून भी लिया है। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी, और नमक भी डाल दूंगी अब इसमें। लगभग 2 से 3 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार, और हरा धनिया भी डाल दूंगी, और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मसाले के साथ आलू अच्छे से मिक्स कर लिए मैंने, और लगातार चलाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट में इसे भून लूँगी, और ये हमारी स्टफिंग आलू वड़े की तैयार हो जाएगी। देखिए लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गए आलू, और गैस भी ऑफ कर दिए मैंने। अब इसको एक अलग प्लेट में निकाल देती हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए ये स्टफिंग। जब तक स्टफिंग ठंडी होती है मैं अपने ब्रेड भी तैयार कर लेती हूँ। फिर जब तक आलू की स्टफिंग ठंडी हो रही है मैं ब्रेड के किनारे काट लेती हूँ। इस तरह से किनारे काट लूँगी। देखिए ब्रेड के किनारे मैंने काट लिए हैं। ब्रेड के किनारे मैंने इसलिए काटे हैं क्योंकि जब मैं ये वड़ा बनाऊँगी ब्रेड वड़ा, तो इसके किनारे थोड़े सख्त होते हैं तो मोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने इसके किनारे काट लिए हैं। अब मैं इसको बेलन से थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी, इस तरह से हल्का हल्का सा दबा लूँगी, इस तरह रखते जाऊँगी। और भी तैयार कर लेती हूँ। और ये ब्रेड के जो किनारे निकल रहे हैं वो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। किस तरह से काट लूँगी, और बेलन से बस हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे। इसी तरह मैं सभी ब्रेड तैयार कर लेती हूँ। देखिए सभी ब्रेड के मैंने किनारे काट लिए, और ये स्टफिंग भी मेरी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाऊँगी जो मुझे ब्रेड में भरने। इतने इतने बड़े बॉल्स बना लेंगे, उसको रखते जाएंगे पहले से। इसी तरह मैं बॉल्स बना लेती हूँ पहले। देखिए आलू के मैंने 3-4 बॉल्स बना लिए। अब मैं इसको किस तरह से स्टफिंग भर के तैयार करना है बड़ा मैं वो बताती हूँ। पहले ब्रेड ले लूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी लगाऊँगी। गीला हो जाना चाहिए ब्रेड थोड़ा,
ताकि किनारे अच्छे से हो जाएं गीले, क्योंकि हमें इसे मोड़ना है अच्छे से, तो नरम रहेंगे तो आसानी से बाइंड हो जाएंगे। और ये देखिए, ये स्टफिंग लूँगी आलू की और इसको अच्छे से बंद कर लेंगे और हाथों से थोड़ा सा दबाएंगे ताकि पूरी तरह से आलू की ये स्टफिंग पूरी ढक जाए। और ज़रूरत लगती है तो थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि अच्छे से गोला बन जाए इसका नरम होके। इस तरह से दबाते हुए बॉल्स इस तरह बना लेंगे हम। इसी तरह मैं यह ब्रेड के वड़े तैयार कर लेती हूँ। देखिए, दूसरी ब्रेड में मैंने पानी लगा लिया। अब ये स्टफिंग ये रखूँगी और इसे किनारे मोड़ूँगी। पानी इसलिए लगाते हैं हम ताकि ब्रेड थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से दबे, क्योंकि कभी ब्रेड सख्त होती है कभी सॉफ्ट होती है, तो पानी लगाने से आसानी से ये दब जाएगी, स्टफिंग अच्छे से बंद हो जाएगी। ये देखिए, हल्का सा पानी लगाते जाएंगे तो ये सेट होते जाएगा। इसी तरह मैं सभी वड़े तैयार कर लेती हूँ, ब्रेड वड़े। देखिए, 4 से 5 मैंने ब्रेड वड़ा तैयार कर लिए हैं और इसको डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल भी गरम करने रख दिया। ऑयल भी गरम हो गया, मैं इसमें डालूँगी इसे। जब हम इसे डालें तो ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए, फिर हम मीडियम आंच पे इसे सेक लेंगे। मिनट हो चुके हैं, देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है नीचे से। अब मैं इसे पलट देती हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसी तरह दूसरा भी पलट देती हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कलर आते तक सेक लूँगी इसे। देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुका, ब्रेड वड़ा हमारा बहुत ही अच्छे से तल गया है। सभी तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आ गया इसका गोल्डन ब्राउन। और मैंने इसे चम्मच से पलट लिया, आसानी से पलट जाता है इससे। ये देखिए, सभी तरफ से अच्छे से सिक चुका है, ये बहुत ही क्रिस्पी हो गया ये। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। एक्स्ट्रा ऑयल में इसे निकाल लेती हूँ और टिश्यू पेपर मैंने रख दिया है प्लेट में, उसमें ये वड़े निकाल लेती हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छे बने हैं ये क्रिस्पी। इसी तरह मैं और भी वड़े तल लेती हूँ। गर्मा गर्म ब्रेड आलू वड़ा तैयार है खाने के लिए, जिसे मैंने टमाटर सॉस के साथ सर्व किया है। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जल्दी से तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि ब्रेड आलू वड़ा आपको कैसा लगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।